हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 जनरल इंग्लिश का सैम्पल पेपर फॉर सितंबर एग्ज़ाम। तो ये ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास जनरल इंग्लिश है, चाहे वो कॉमर्स के, आर्ट्स के या साइंस के हों, सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। स्टूडेंट्स, आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको अपडेट फटाफट मिल जाती है। और अगर डिस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि आपका सैम्पल पेपर कैसा आया है। ये आपका सितंबर एग्ज़ाम ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए जनरल इंग्लिश का पेपर है। आपका जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले आपका जो है सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आपको ये कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आपने ये कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है पूरा, और उसके बाद इससे रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस भी आपके मल्टीपल चॉइस में हैं, जो कि आपको ईजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इससे आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही ईजी हो गया, जनरल इंग्लिश का। ठीक है, तो इस तरीके से 6 तो आपके एमसीक्यू टाइप के हो गए, 7 आपका ट्रू फॉल्स आएगा, इसी पैराग्राफ से ही आएगा। आपको पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का एक पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट 6 मार्क्स का जो है आपका एक और पैराग्राफ आएगा। तो इस पैराग्राफ को भी आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड करना है। तो बच्चों, अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके नीचे आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे देखो ऑप्शंस वगैरह सभी में नहीं होगी, तो आपने अपने हिसाब से इसको पैराग्राफ को रीड करके सॉल्व करना है। उसके बाद राइटिंग स्किल, ग्रामर, ट्रांसलेशन 26 मार्क्स की होगी। तो यहाँ पर जो सेक्शन बी है 26 मार्क्स का होगा, जिसमें से 4 मार्क्स का फिर आपका जो है इस तरीके से एक पैराग्राफ आएगा, इसका सूटेबल टाइटल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 यही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेटर एप्लीकेशन में चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ईमेल है। ठीक है, और न्यूज़पेपर हेडलाइन है, ये आपके 3 मार्क्स की है। उसके बाद ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू पंजाबी या हिंदी, जो भी है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हो गई। उसके बाद पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डुएस डायरेक्ट 10 मार्क्स का आएगा। तो बहुत ईजी है, आप ये देख लो डुएस डायरेक्ट। ठीक है, तो डुएस डायरेक्टेड कर लेना आप, ये आपके 10 हो गए टूएस डायरेक्टेड। और सिंपल सी बात है कि इसके आंसर जो है चॉइस में आपको आएंगे, तो आप इजीली अपने आंसर को ढूंढ सकते हो, ग्रामर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे लिटरेचर देखते हैं, टेक्स्ट बुक, वो 38 मार्क्स का आएगा, सेक्शन सी, उसमें भी सभी में आप देख सकते हो चॉइस है। तो बहुत ही ईजी हो गया आपका जो है इसका इंग्लिश का पेपर। तो ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्टैंजा, और स्टैंजा से आपको ये आंसर्स फिल करने होंगे पढ़ के। ठीक है, उसके चॉइस में दूसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेंट्रल आइडिया आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, 40 से 50 वर्ड में इनके आंसर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस चैप्टर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका, वो कैरेक्टर स्केच होगा। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर स्केच में से 1 कैरेक्टर स्केच आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा कैरेक्टर स्केच, गुड हैंडराइटिंग के आपके 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।